भाजपा द्वारा आहूत दल के सचिवालय घेराव रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज एवं हवाई फायरिंग करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड में काला दिवस मनाते हुए झारखंड सरकार का पुतला फूंका। इसी क्रम में सिमडेगा जिला के सभी मंडलों में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। सिमडेगा नगर में पुतला फूंकते हुए वहीं भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा ने पुतला दहन करते हुए कहा कि निकम्मी सरकार लाठी और गोली के बल पर जनता की आवाज को दबाना चाहती है। सरकार जानती है कि अब तक एक भी वायदा इस सरकार ने पूरा नहीं किया है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनता पर लाठी चार्ज कर झारखंड की आवाज को दबाने का प्रयास किया है, पर सरकार की यह प्रयास विफल होगा। झारखंड की जनता मन बना चुकी है कि सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और मांगों को लेकर सड़क पर रैली निकाली थी, लेकिन सरकार की तरफ से अचानक पुलिस कार्रवाई होने लगा, अश्रु गैस के गोले छोड़ने लगे, पानी के फवारे छोड़ने लगे, गोलियां चलने लगे, जिसके कारण हमारे करीबन 70-80 कार्यकर्ता भाजपा के कर्मठ युवा योद्धा घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हुए। और उसी के उपलक्ष्य में कार्रवाई हो रही थी, तो क्या जरूरत था गोली चलाने का इस विरोध में, समय सरकार को एक हिटलरता ही दिखाने का। और उसी के विरोध में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता आज सिमडेगा में काला दिवस मनाए। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में झारखंड बचाओ हेमंत हटाओ का जो कल हम लोग का कार्यक्रम हुआ था, इसी निमित्त दमनकारी हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज काला दिवस के रूप में मना रही है। यह सरकार हर तरह से विफल है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता इस लाठी चार्ज का वोट के माध्यम से बदल लेंगे और ये हेमंत सरकार को गति छोड़कर जाना होगा, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।